आ गया वो। चलो ये बताओ कि कॉलेज क्यों नहीं आए, बोलो। मैंने देखो तुम्हारे नोट्स भी बना रखे थे, तुम आए। प्रिंस जैसे गिर जाए। ये देखो देखो देखो, मैं श्रुति प्रिंस, मैं श्रुति। हाँ मैं श्रुति। प्रिंस दानिश भैया, दोस्तों आज मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, आप ने इसको कुछ वीडियो पहले देखा होगा। एक लड़के की हालत इस कदर हो गई थी कि जो जिंदा रहे या फिर फतन हो जाए इस दुनिया से, फतेह हो जाए, मतलब वो क्या है ही नहीं अपने में। उसके जिंदगी का क्या फायदा जो मौत से बदतर अगर उसकी स्थिति हो चुकी है तो। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बोलूंगा श्रुति जी, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। दो दिन से इनका मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहा है कि अनिस भैया मेरे को एक बार लास्ट टाइम मिलवा दीजिए प्रिंस से, मेरे को बात करना है, मैं मिलना चाहती हूँ। आपकी फैमिली वाले ने वो वीडियो देखी पहले, ये बताओ हाँ या ना? तो कुछ इतराज, कुछ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होगी, मैं तो आई थी उस दिन की किसी को ना सोच समझ के, बिना सोचे समझे आई थी और बिना सोचे समझे आज भी आई हूँ। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फैमिली नहीं। अब जो हो गया वो तो हो गया ना। ये देख रहे हो आप बुके इनके हाथ में, आप लास्ट टाइम इनको देखे थे, साड़ी वाड़ी सिंदूर चूड़ी बिंदी सारा चीज लगा के आई थी, और आज क्या रीज़न है, क्या ऐसा कुछ क्या करोगी आप आज प्रिंस से मिलके? थोड़ा सा अपनी बातों का यहाँ पे थोड़ा सा जी बताइए। मैं प्रिंस को पहले की तरह, जैसे मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, मैं वैसे ही प्रिंस को अपने उसको करना चाहती हूँ कि वो कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए उसके अंदर, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज उसकी ठीक हुए, मतलब जैसा था वैसा ही वो हो जाए। वैसा हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा नहीं उस, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। इसीलिए आज का ये आउटफिट है जो मैंने पहले उसके साथ रहती थी, पहले जो भी था उसकी वजह से आज ये है। आपको लगता है कि इससे कुछ स्थिति में सुधार हो सकेगा, या फिर आपको लगता है कुछ इसका सोल्यूशन है ये चीज? क्या पता, हो भी तो सकता है ना, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ तो, मतलब कुछ ना सही से कुछ ट्राई करके तो कुछ कर सकते हैं। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? फैमिली मेंबर जब वीडियोस देखे तो क्या उनका रिएक्शन क्या था ऐसा? उनका रिएक्शन जो क्या, कौन देखे फैमिली में वीडियोस, कौन देखे? पापा ने देखा है, मम्मी ने देखा है, हस्बैंड ने भी देखा है, लेकिन जो उनका होना चाहिए उन्होंने वो रिएक्शन दिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं है। मैं ये सब जान के आई हूँ यहाँ पे कि हाँ मुझे पता है कि क्या रिएक्शन क्या किसका होगा। अब मैं इतना सोचने लग गई तो प्रिंस की हालत तो आप जानते ही हैं, और मैं उससे माफ़ी मांगने की तो मेरी हिम्मत ही, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती। मेरा बात हुआ था दोस्त, जब ये दो दिन से जब मुझे परेशान कर रही थी कि मुझे एक बार प्रिंस से मिलवा दीजिए, मेरा बात हुआ था हर्ष से,
मैंने बोला कि यार क्या कर सकते हो, जब डॉक्टर हाथ उठा दिया है तो कहीं ना कहीं हम लोग खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं कि ये चीज़ यार तू ही करवा दे कुछ। आ रहा है हर्ष प्रिंस को लेके, बाकी जो आपको करना है आप एक बार देख लो कर लो, जो भी चीज़ होगा फिर दिखा देते हैं। आ गया। प्रिंस, प्रिंस बैठो इधर। दानिश भाई क्या है ये सब, आप देख ही रहे हो इसकी हालत। अरे तू क्या चाहती है, मार की मारेगी क्या इसको? देख एक चीज मैं जानता हूँ, इसकी हालत अगर ठीक हुई तो ठीक है, वरना बदतर नहीं होनी चाहिए, समझ रही है ना भाई? देखिए मुझे पता है आप दोस्त हो, आपका गुस्सा जायज बनता है, मगर चीज़ें क्या है ना कि शायद मेरे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ इनमें हुआ है चीज़। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कॉलेज लुक में है, आप बखूबी पहचान ली होगी, कुछ कोशिश करना चाहती है ये, करने दीजिए एक बार। अनिश भाई वो तो ठीक है, पर ये बार बार का क्या है, उसकी हालत और बिगड़ भी तो सकती है। श्रुति बात कर लो एक बार, बात करने दीजिए। देखिए डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो कुछ और ऑप्शन है भी नहीं ना, कुछ तो प्रिंस के लिए करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा देखिए शायद कुछ, बैठो जो भी बात करना है बैठो, बात करो। अनिश भाई आप कह रहे हो तो ठीक है, बात करने दो इनको। प्रिंस मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है अभी आ रहा हूँ। प्रिंस पानी लेके आ रहा हूँ मैं। प्रिंस, प्रिंस देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, देखो तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ रेड रोजेस, जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ, बहुत रेड रोजेस लाई हूँ, तुम्हारे को बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे क्यों कर रहे हो प्रिंस, थोड़ा समझो बात को। और हाँ तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए? बताओ कल का नोट्स भी तुमने कंप्लीट नहीं करा। प्रिंस अरे श्रुति हूँ मैं, समझ में आ रहा है कुछ? देखो मेरे से ना इतना वो मत करो, जल्दी जल्दी मैं छुट्टियां क्यों लेते हो तुम इतनी कॉलेज की, ये बताओ।
पढ़ना वढ़ना है नहीं तुम्हें, नोट्स भी मैं बना के दूं तुम्हें। समझ में आ रहा है कुछ प्रिंस? प्रिंस जैसे गिर जाए दमे तहरीर कागज पर स्याही। चलो ये बताओ कि कॉलेज क्यों नहीं आए, बोलो। मैंने देखो तुम्हारे नोट्स भी बना रखे थे, तुम आए भी नहीं। किस्मत में यूं तस्वीर है शबा है हिजरन की। अरे तुम बोलोगे कुछ, बोलो ना कुछ तो बोलोगे। अरे प्रिंस तुम्हें ना मैं मार दूंगी, मैंने बोल दिया। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? कल आए नहीं, पहली तुम्हारी गलती ये, दूसरी मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना के लेके आई वो भी तुमने नहीं करे। तुमने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि मैं कल आऊँगा या नहीं आऊँगा, तुमने कुछ बताया ही नहीं। कहूँ क्या गर्म जोशी मैं कशी में शोला रुईया की। बोलो अब प्रिंस। प्रिंस प्रिंस देखो देखो कौन देखो। हाँ श्रुति, हाँ श्रुति देखो, हाँ देखो श्रुति देखो। प्रिंस देखो श्रुति, देखो देखो मेरी तरफ देखो। हाँ मैं श्रुति, हाँ हाँ श्रुति। प्रिंस ये देखो मैं श्रुति। हाँ प्रिंस, अरे प्रिंस देखो मैं श्रुति, देखो। हाँ हाँ श्रुति, हाँ श्रुति, हाँ श्रुति, हाँ श्रुति। प्रिंस प्रिंस देखो तो सही मेरी तरफ, ऐसे क्यों डर रहे हो, किस लिए? देखो देखो ना प्रिंस। प्रिंस 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 देखो देखो मैं श्रुति। प्रिंस इधर इधर देखो ना प्रिंस। होशियारी क्या रही आजाद या जग से हमन दुनिया। तुम क्यों नहीं समझ रहे मैं श्रुति हूँ। आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या हमन है इश्क देखो 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 ना मेरी तरफ देखो। हाँ ये देखो ये देखो 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 मैं श्रुति प्रिंस। हाँ मैं श्रुति। हाँ श्रुति हूँ मैं श्रुति। हाँ हाँ देखो मेरी तरफ तो देखो, देखो मेरी तरफ देखो। हाँ हाँ श्रुति मैं देखो मेरी तरफ देखो देखो। हाँ 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 मैं श्रुति। हाँ मैं श्रुति। Danish man!